सीतापुर जनपद पंचायत के ग्राम राय के अंतर्गत आने वाले घागीपारा के कई ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, अब तक सड़कों की व्यवस्था नहीं मिल पाई। वहीं यह तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बयार बहने की ढोल पीट रही है, सरकार को झुटला रही है। रायकेरा पंचायत मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर घागीपारा में 70 से 80 लोग निवासरत हैं। मेहनत मजदूरी व खेती के बदौलत अपनी जीविका चलाने वाले यह ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से विकास के झूठे दावे सुनकर थक चुके हैं। इनका कहना है कि चुनाव के समय यहां सरपंच सहित अनेकों प्रतिनिधि आते हैं और वोट मांगकर विकास के सपने दिखाकर चले जाते हैं, किंतु एक बार भी यहां की स्थिति झांकने नहीं आते हैं। सीतापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत रायकेरा घागीपारा के ग्रामीणों ने बताया कि नेता यहां आते तो हैं, कहते हैं कि इस बार हमको जिताइए और हम जल्द रोड की व्यवस्था बनाएंगे और यहां की कमी को दूर करेंगे, यह कहकर चले जाते हैं। स्थानीय प्रतिनिधि तो दूर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इस गांव की दूरदर्शा दूर नहीं कर सकी है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहां से गांव दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। वहीं यहां रोड नहीं होने से कच्ची सड़क पर बरसात के दिनों में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ देता है। यहाँ रोड नहीं होने पर सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है। वहीं यहाँ के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कच्चा रास्ता होने से यहाँ की स्थिति बरसात में और भी बदहाल हो जाती है। वहीं बारिश के दिनों में गांव के लोग गांव में ही सिकुड़ कर रह जाते हैं। जी श्रीमान, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जाकिर हुसैन, ग्राम पंचायत रहकर घागीपारा का रहने वाला हूँ। जी, किस तरह से शहर की ओर जाते हैं, बरसात का समय चल रहा है, क्या लगता है? बरसात में यहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मरीज को डोली फाँद करके और या झेलगी से डोह करके और अपना ले जाते हैं हॉस्पिटल। बहुत सा तो ऐसा मौका आता है कि रास्ते में डिलीवरी रहते हैं तो मौत भी हो जाता है रास्ते में। और आज तक देखिए, जब से मनसुख सरपंच के ज़माने से लेकर के उनके ज़माने में तो जो रोड बना बना, उसके बाद यहाँ मुरुम तक नहीं डाला है। आज 10 साल बीत गया। आधा किलोमीटर मान के चलिए काराबेल से घागीपारा जोड़ने के लिए आज तक वो भी नहीं जुड़ा। विधायक महोदय लोग आते हैं, जो भी आते हैं नेतागण, वो बस यही बोलते हैं कि हमको जिताइए हम जोड़ेंगे, हमको जिताइए हम जोड़ेंगे, लेकिन आज तक कोई जोड़ा नहीं। मतलब बीमार किया जा रहा है विकास की बात करके। आज तक मैं जब से मेरा उम्र देख रहे हैं 50 लगभग होने जा रहा है, लेकिन वही का वही स्थिति मैं भी देख रहा हूँ। जी श्रीमान, पहले परिचय बता। जी, मेरा नाम फखरुल हसन जी, कहाँ से निवास करते हैं? रायकेरा पंचायत घागीपारा मोहल्ला। जी बता दीजिए, आपकी यहाँ की रोड की स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत जर्जर है, बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मान के चलिए, अगर अभी तो थोड़ा सा सूखा है इसलिए पैदल भी जा पाते हैं, और नहीं तो पैदल चलना मुश्किल है इसमें। और जब से आज़ादी हुआ तब से यही हाल है। जितने सरपंच पांच आते हैं वादा करके चले जाते हैं, 5 साल बिता देते हैं। जब मरीज हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है ले जाने के लिए। कुल मिला के आप अपने समय से देखते आ रहे हैं, अभी तक कुछ विकास नज़र नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा है। अब मेरा उम्र कम से कम 70 हो रहा है, लेकिन आज तक मैं कुछ नहीं देखा, विकास की कोई नज़र ही कोई नज़र ही नहीं आया। कुल मिला के बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत है सर। बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान स्थिति पे वहाँ पे कोई मतलब आवागमन की मजबूत सुविधा नहीं है। इसके पूर्व छोटी मोटी मरम्मत या छोटी मोटी आवश्यकताओं को पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन कोई स्थायी हल उसका नहीं है। पानी आता है बह जाता है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करवा के अपन जिला कलेक्टर सर को प्रेषित करेंगे ताकि वो रोड का निर्माण करवाया जा सके। जी, क्या मानते हैं कितनी समस्याएं होती होंगी वहाँ के ग्रामीणों को, क्या लगता है आपको? समस्याएं तो बरसात में स्वाभाविक ही होगा ही होगा, अगर रोड की स्थिति इस प्रकार की है तो। डाइवर्टेड मार्ग से लोग सीतापुर पहुँचते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। जो हमारा दायित्व तो बनता है, हम इसको जिला शासन को, जिला स्तर के जिला प्रशासन को अवगत कराएँ और प्रस्ताव बनवा के मैं बहुत अति शीघ्र, पहले भी जा चुकी है, दोबारा मैं फिर प्रस्ताव बनवा के गंभीरतापूर्वक इसको जिला कार्यालय को भेजूंगा और पहल करूंगा कि रोड किसी मत से स्वीकृति हो ताकि वहाँ की जनता को लाभ मिले।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।